इस लाइन से इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर वो सेम सेम जनरेशन का बंदा है, मतलब भाई भाई है, भाई बहन है, बहन बहन है, तो उसको हम इस तरह से, और ये आपका क्रिकेट भी खेल रहा है और बी भी जो है आपका फुटबॉल खेल रहा है और क्रिकेट खेल रहा है, ठीक। सेकंड क्या बोलता है, 5 7 3 4 8 और सेकंड नंबर आपका क्या है, सेकंड नंबर आपका है 7 4 6 को हमने इंटरचेंज किया, मतलब 4। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंस टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपना नॉन टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके यूपीआई जेई के पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन आपका होता है टेक्निकल, जिसका ऑलरेडी मैं सोल्यूशन स्टार्ट करा चुका हूँ और पार्ट 20 तक उसको मैंने अपलोड कर दिया। मैंने इसमें हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और आपका 50 क्वेश्चन होता है किसका, नॉन टेक का, ठीक है, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है नॉन टेक। 50 क्वेश्चन में थे आपका 10 क्वेश्चन होता है हिंदी का, 20 होता है आपका रीजनिंग का और 20 होता है आपका जीएसजी के का। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जो अपना सोल्यूशन देखेंगे वो अपना यूपीआई जे 2016 का पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था उसका रीजनिंग क्वेश्चन आज हम अच्छे से पूरा सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन में आपको ये भी सिखाऊंगा कि कौन कौन सा ट्रिक्स और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे और देखते हैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको चार फिगर दिया हुआ है जिसमें दिखा हुआ है कि एक सर्किल मेहनती लोगों का है, एक उद्यमी का है, एक अनुशासित का है और एक अध्ययनशील का। तो मैंने यहाँ चार सर्किल ड्रॉ कर दिया है, ये मेहनती का, ये उद्यमी का, ये अध्ययनशील का और ये अनुशासित का, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो लोग जिनके पास सारे गुण हैं उनको दर्शाता है, मतलब इसमें से आपको जे के एल एम एन ओपी दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है। तो बोलता है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनमें सारे गुण है, मतलब जो आपका मेहनती भी है, उद्यमी भी है, अध्ययनशील भी है और अनुशासित है। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो सर्किल है, ये सर्किल ऐसे आया हुआ है, उसके बाद ये सर्किल आया हुआ है, फिर ये सर्किल है और उसके बाद ये सर्किल है। तो इन सर्किल को घेरते हुए बस ओनली एक ऐसा अकेला बंदा एन है, बस एक ऐसा अकेला बंदा एन है जिसके पास सारे गुण हैं, क्योंकि ये सर्किल जो दर्शा रहा है आपको, तो उद्यमी एल के ओ डब्ल्यू एन क्यू पी जितने भी लोग इसके अंदर हैं वो सभी उद्यमी हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बना हुआ है कि ऐसा कितने लोग हैं जो उनके अंदर सारे गुण है, तो आपका एन एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर सारे गुण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एन। अगर आपसे ये पूछता कि वो इतने लोग कौन है जो सिर्फ अध्ययनशील है, ठीक है, तो जो सिर्फ अध्ययनशील है, बाकी उद्यमी अनुशासित और मेहनती छोड़ दिया जाए, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ अध्ययनशील है। तो अगर हम इसको देखें, वी को देखें, तो वी के पास सिर्फ यही एक क्वालिटी है, बाकी इसमें से कोई भी क्वालिटी इसके पास नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन इससे आते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो अनुशासित भी हैं और अध्ययनशील भी हैं। तो ऐसे नंबर्स जो आपका अनुशासित में भी आएगा और अध्ययनशील में भी आएगा वो लोग आ जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, एन। पढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, एक परिवार में 7 लोग हैं जिसमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, टी एम का बेटा है और के का पोता है, एम विधु है, एम और आर भाई हैं और डब्ल्यू जे की पुत्र वधु है, जो आर की माँ है और डी की दादी है, तो डी का एम से क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको ब्लड रिलेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, जो अगर हम ब्लड रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले उसमें हम कुछ लोगों को क्या क्या साइन देना है वो याद रख लेते हैं, क्योंकि उसमें नाम देना बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अगर हम साइन की बात करें तो मेल को हम एक ऐसे एक ट्रायंगल से हम इसमें शो करेंगे, फीमेल को एक सर्किल से हम शो करेंगे और सिंगल जनरेशन गैप है, मतलब सिंगल जनरेशन गैप है, मतलब कोई किसी का लड़का है, कोई किसी की लड़की है, तो उसको हम ऐसे एक इस लाइन से इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर वो सेम जनरेशन का बंदा है, मतलब भाई भाई है, भाई बहन है, बहन बहन है, तो उसको हम इस तरह से एक सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। और अगर कोई 2 लोग हैं, मतलब उनकी शादी हो गई, कपल हस्बैंड वाइफ है, तो उनके बीच में हम इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 5 मेन सिंबल है जिसकी हेल्प से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था। तो क्वेश्चन आपको ये दिया था कि 7 लोग हैं, ठीक है, तो परिवार में 7 लोग हैं, आपको हो गया मालूम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक परिवार में 7 लोग हैं। बोलता है इसमें से 2 मैरिड कपल है, मतलब 2 कपल बनेगा, वहां पर 2 इक्वल टू का साइन आना चाहिए, ठीक। फिर बोलता है टी एम का बेटा है, तो टी एम का बेटा है, मतलब सिंगल जनरेशन गैप बंदा, बाप मतलब उसमें
लड़के का और बाप का रोल उसमें आ रहा है, तो उसमें एक सिंगल जनरेशन गैप बनेगा, तो उसको टी और एम को हम ऐसे डिनोट करेंगे, और अगर लड़के की बात करेगा तो हम ट्राइंगल डिनोट करेंगे, और लड़की की बात करेगा तो हम सर्किल से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बोला टी एम का बेटा है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, इसको लिखेंगे टी जो है एम का बेटा है, तो टी जो है लड़का है, ठीक है, टी जो है लड़का है, तो उसको हम एक सिंगल ट्राइंगल से टी को कर देंगे, और टी एम का बेटा है तो ये एम हो गया आपका। ठीक है, तो टी जो है एम का हो गया बेटा, ये इसका रिलेशन हो गया। अब हमको ये नहीं पता है कि एम उसकी मम्मी है कि एम उसका पापा, ये हमको नहीं पता है, तो अभी एम को हम ना सर्किल देंगे ना ट्राइंगल देंगे। इतना समझ आ रहा है फ्रेंड्स, सिंगल जनरेशन गैप है यहाँ पे, ये उसका बाप है, ये उसका बेटा है, तो बेटा अपना लड़का है, तो उसको हम ट्राइंगल से डिनोट कर दिए, और टी एम का बेटा है तो एम उसका पापा हो गया। ठीक, अगला पॉइंट बोलता है बेटा है और के का पोता है, के का पोता है, ठीक है, तो टी जो है एम का बेटा हो गया और के का पोता हो गया। ठीक है, ये आपका के है, ये आपका के है, तो के इसका दादा हुआ। ठीक है, के का पोता हो गया तो ये इसका दादा हो गया, के जो है इसका दादा बन गया। ठीक है, के इसका पोता है और ये इसके लड़के का लड़का है, तो ये भी आपका, तो ये इसके लड़के का लड़का है, तो ये भी आपका जो है एक मेल होगा। ठीक है, तो टी जो है एम का बेटा है और टी जो है के का पोता है, तो ये तीनों जो है मेल हो गए, ये फाइनल हो गया आपका। फिर अगला बोलता है एम विधुर है, तो एम जो है विधुर है, एम विधुर है मतलब ये आपका जो हस्बैंड है, ये जो आदमी है इसकी वाइफ मर गई है, इसीलिए इसको बोलते हैं विधुर। विधुर कौन होता है, जिसकी वाइफ मर जाती है उसको बोलते हैं विधुर। तो एम जो है विधुर है, तो इसका एक इसकी एक वाइफ रही होगी, लेकिन वो वाइफ उसकी मर गई है। ठीक है, वाइफ जो है मर गई। ठीक है, तो ये हो गया विधुर। तो यहाँ पे ये कपल आया था ना, ये हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन ये वाइफ आपकी मर गई है। ठीक है, फिर बोलता है एम एंड आर भाई भाई है, मतलब एम और आर भाई भाई हैं, तो एम का भाई होगा आर। ठीक है, तो एक सिंगल जनरेशन गैप बनेगा ये, तो ये आपका सिंगल जनरेशन गैप है और ये दोनों भाई भाई हैं, तो यहाँ पे आपका ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो एम और आर जो है भाई भाई हो गए। ठीक है, फिर अगला बोलता है एम और आर भाई भाई है और डब्ल्यू जे की पुत्र वधु है, डब्ल्यू जो है जे की पुत्र वधु है। ठीक है, डब्ल्यू जो है जे की पुत्र वधु है जो आर की माँ है। ठीक, आप देखो डब्ल्यू जो है, यहां लिखता हूं मैं, क्या बोलता है एम और आर भाई है। ठीक है, एम और आर भाई है, ये अपना काम हो गया, एम और आर भाई बना दिया। फिर बोलता है और डब्ल्यू जे की पुत्र वधु है जो आर की माँ है, डब्ल्यू जो है जे की पुत्र वधु है जो आर की माँ है, तो आर की माँ जो है एक गैप बना, एक आपका सिंगल जनरेशन गैप हुआ, तो यहाँ पे जो है आज जो आर की माँ है, तो ये जे जो है ये इसकी माँ है और इसकी पुत्र वधु कौन है, डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू इसकी पुत्र वधु है। तो ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया ना, क्या बोलता है डब्ल्यू एम और आर भाई भाई है, एम और आर भाई भाई है और डब्ल्यू जे की पुत्र वधु है जो आर की माँ है, डब्ल्यू जो है जे के पुत्र की वधु है जो आर की माँ है, मतलब जे जो है आर की माँ हो गई, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बोलता है और डी की दादी है, मतलब जे जो है आर की माँ है और डी की दादी है, तो डी जो है डी की दादी कौन है, जे है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है आपका कि डी मेल है कि फीमेल है। ठीक है, बस बोल रहा है डी की दादी जे है, तो ये मेल भी हो सकती है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, अब बोल रहा है, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है डी का एम से क्या रिलेशन है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डी का जो है डी का एम से क्या रिलेशन है, डी का जो है एम से क्या रिलेशन है, तो ये दोनों भाई भाई हो गए और ये भाई की लड़की हो गई। ठीक है, लेकिन हम इसका डी का से पूछ रहा है, तो हमेशा हम क्या कहते हैं इसको से का की ओर चलेंगे, तो इसको हम ऐसे आएंगे चल के, तो ये इसके भाई की लड़की है, तो इसको लड़की है या लड़का है ये कंफर्म नहीं है, तो अगर लड़का होता तो उसको हम बोलते हैं भतीजा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं भतीजा, अगर लड़की होती इसको हम बोलते हैं भतीजी। ठीक है, बट यहाँ क्वेश्चन कंफर्म नहीं किया है कि ये लड़का है कि लड़की है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भतीजी या भतीजा। ठीक है, आई होप मैंने इस क्वेश्चन को आपको अच्छा एक्सप्लेन किया होगा, अगर नहीं समझ में आया प्लीज वीडियो को फिर से बैक करके देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन लगाने होते हैं ये वाले। ठीक है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आपका, तो फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है एक निश्चित कोड भाषा में पिक एंड चूज को हो पो लिखा जाता है, मतलब पिक एंड चूज को हो पो लिखा जाता है,
एंड पिक अप एंड कम, पिक अप एंड कम को टू नो को पो लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको ऐसे लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, तो आपसे पूछता है तो उस भाषा में पिक को कैसे लिखेंगे, मतलब पिक को हम कैसे लिखेंगे। फ्रेंड बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये, बस आपको ये देखना होता है कौन कौन चीजें कहां कहां पे सेम दिया हुआ है। ठीक है, देखो अगर इसको सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं कि पिक वाला जो दिया हुआ है, पिक पिक यहां पे भी दिया है, पिक यहां पे भी दिया है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए कॉमन, पिक यहां पे कॉमन दिया हुआ है। ठीक, अगर हम बात करें एंड की तो एंड भी यहां दिया हुआ और एंड भी यहां दिया हुआ, तो ये दोनों आपस में हो गए कॉमन। जबकि चूज अप एंड कम एकदम ये सेपरेट वर्ड हो गए। ठीक है, अब आपको आपको दिख गया ना कि इन दोनों लाइन में पिक कॉमन है और इन दोनों लाइन में एंड कॉमन है। ठीक है, अब आपको इधर आना है, अब आपको देखना यहाँ पे क्या क्या कॉमन है। तो आपको दिख रहा है को, ये वाला कॉमन है, को वाला इसमें कॉमन है और पो वाला भी इसमें कॉमन है। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता कि चूज को कैसे लिखेंगे हम, अगर हम चूज को कैसे लिखेंगे तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी चूज नहीं, यहाँ पे भी चूज नहीं और यहाँ पे आपको चूज दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे HO, सिर्फ HO सिंगल बचा हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं कि चूज को हम HO लिखेंगे। ठीक है, बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पिक को हम कैसे लिखेंगे। आप देखो आपको तो ये मिल गया कि पिक भी यहाँ पे है, एंड भी यहाँ पे कॉमन हो गया, को भी यहाँ पे है, पो भी यहाँ पे कॉमन हो गया। बट अब ये कैसे कन्फर्म करेंगे आप कि पिक का को है या पिक का पो है, या एंड का को है या एंड का पो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एकदम कंफ्यूज जाएंगे कि कौन सा किसका है, इसीलिए हम इसको आंसर दे सकते हैं या तो हम को लिख सकते हैं पिक को, या तो हम पो लिख सकते हैं पिक को। तो क्योंकि यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है कि पिक का को है या एंड का को है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी जो ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है, या तो को अथवा पो, मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको एक फिगर दिया हुआ है और बोला है उसके बगल में हमने शीशा रख दिया है, मतलब उसके बगल में हमने शीशा रख दिया है, बोलता है इसकी इमेज क्या बनेगी। ठीक है, जब दर्पण को पंक्ति ए बी पर रखा जाएगा तो निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो इस फिगर को कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स ये वाले, बस आपको ए बी लाइन खींचनी है और उसके बाद यहाँ पे फिगर यहाँ पे सिंपल सा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसको यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ से ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे ये लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे डॉट बना है, यहाँ पे ये ऐसे बना हुआ है और ये लाइन खींची हुई है। इसको बस इधर करना है, तो यहाँ से लाइन हटाइए फ्रेंड्स आप, इसके बाद यहाँ फिगर को एक्सटेंड कर दीजिए खाली फिगर को, और जो चीज यहाँ पास में है उसको पास डालिए, जो दूर है उसको दूर कर दीजिए। तो सिंपल सा ट्रायंगल बना था, ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से ये जुड़ा था, इसको जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये इसका जो है मिरर इमेज हो गया। ठीक है, इसका हो गया मिरर इमेज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर देखिए, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आपको ए बी सी डी दिया हुआ है ना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है, जो आपको फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी, तो ए इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये वाला मैच कर रहा है, बट क्वेश्चन आपको ऑप्शन में बी दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में आपको बी का जो है ए सही होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो बी का ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ गया फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित चार सेट में से उस सेट का चयन करें जो दिए गए सेट जैसा हो। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा सेट इससे मैच करता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, देखिए आपको क्या सेट क्या दिया हुआ है, आपको जो सेट दिया हुआ है फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है 223.324.425, ये आपको जो है सेट दिया हुआ है। ठीक, और ऑप्शन क्या दिया हुआ आपको, ऑप्शन में चार ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपको इसमें रिलेशन निकालना है, जो रिलेशन इसमें फॉलो होगा वही रिलेशन जो आपको ऑप्शन दिया उसमें भी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमको सभी ऑप्शन को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ठीक, देखो तो इसमें दिया हुआ, तो इसमें क्या रिलेशन मिल रहा है आपको, इस वाले क्वेश्चन में आपको जो रिलेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो देखिए यहाँ पे देखिए, जो सेंटर वाला है, जो आपका ये टू है और ये टू है और ये टू है, ये आपको एकदम सेम टू सेम मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब सेंटर में नो चेंज, जो उसका सेंटर है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक, अगर फर्स्ट डिश की बात करें तो 2, 3, 4, मतलब 2 से 3 आने में +1 हो गया और 3 से 4 आने में आपका +1 हो गया। ठीक, और 3, 4, 5, 3 से 4 आने में +1 हो गया और 4 से 5 आने में +1 हो गया। तो जो आपकी फर्स्ट डिजिट है
सेकेंड डिजिट थर्ड डिजिट, तो यहाँ पे प्लस वन हो रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो, यहाँ पे प्लस वन हो रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन को हम चेक करेंगे, सभी ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या मिला आपको, ऑप्शन डी मिला आपको 554.655.756। तो ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ ये वाला रूल आपको फॉलो हो रहा है। तो यहाँ फाइव है, यहाँ फाइव है और यहाँ फाइव, मतलब सेंटर में आपका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। पांच छह सात एक एक समय ऐड हो गया, चार पांच छह एक एक समय ऐड हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 554.655 और 756। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन तक। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, झिझक का चिंता से संबंध वही है जो वॉचर का डैश के साथ है। ठीक है, तो अब आपको ये थोड़ा सा मतलब बहुत लोग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये आपका डिक्शनरी का क्वेश्चन है, तो इसमें आपकी वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बोला झिझक, झिझक झिझक का जो संबंध चिंता से है, ठीक है, झिझक का जो संबंध चिंता से है वही संबंध आपका वाचल का किससे होगा। तो आपको ये थोड़ा सा हिंदी टाइप का क्वेश्चन है बट ये आपका रीजनिंग के पार्ट में पूछा हुआ, तो आपको ये जैसे झिझक चिंता में आदमी को जब आपको कुछ दिक्कत होगी तो आपको चिंता होगी, वैसे ही आपका वाचल एक साथ होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपको तनावपूर्ण महसूस करते हैं टेंशन में। ठीक है, तनावपूर्ण आप इस केस में आपको तनावपूर्ण महसूस होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पे आएगा फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बी सी एंड डी फोर फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ए बी सी और डी चार दोस्त हैं जिसमें से ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो इसमें से कौन सा है जो हॉकी नहीं खेलता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टेबल का फॉर्मेट करना पड़ेगा, आपको एक टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी और उसमें सभी गेम का नाम लिखना पड़ेगा और सभी आदमियों को उसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम टेबल का फॉर्मेट करें तो इसका एक फॉर्मेट देख लीजिए कैसे बनाएंगे। तो आपको दिया हुआ उसमें चार लोग हैं, ठीक है, उसमें आपको चार लोग दिया हुआ है, ए बी सी और डी, तो ए बी सी और डी चार लोग आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है कि उसमें से फुटबॉल क्रिकेट हॉकी बास्केटबॉल, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग हॉकी भी खेल रहे हैं और कुछ लोग जो है बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपको चार लोग दिया हुआ है, चार गेम दिया हुआ है, लेकिन उसमें बोल रहा है कि ए और बी जो है फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। तो देखो इसको हम टेबल के फॉर्म में कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गेम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गेम इस साइड, इसको लिख लेते हैं फुटबॉल, इसको लिख लेते हैं क्रिकेट, इसको हॉकी और इसको बास्केटबॉल। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों के नाम ए बी सी और डी। अब जो क्वेश्चन जो आपसे बोला है वो आप यहाँ पे फॉलो कराते जाइए, आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, इसमें तो बस आपको एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है बट आपको इसी से तीन चार क्वेश्चन एक साथ बना के दे सकता है, तो आप एक ही टेबल से आपके पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, तो ए जो है वो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहा है। ठीक है, तो ए आपका फुटबॉल भी खेल रहा है और ए आपका क्रिकेट भी खेल रहा है और बी भी जो है आपका फुटबॉल खेल रहा है और क्रिकेट खेल रहा है। ठीक, सेकंड क्या बोलता है, बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, मतलब बी भी आपका क्रिकेट खेलता है और हॉकी खेलता है, तो बी भी आपका क्रिकेट खेलता है और हॉकी खेलता है और सी भी आपका क्रिकेट खेलता है और हॉकी खेलता है। ठीक, फिर थर्ड क्या बोला है, ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, ए और डी, तो ए भी आपका बास्केटबॉल खेलेगा और फुटबॉल खेलेगा, तो ए आपका फुटबॉल और डी खेल रहा है तो यहाँ पे इसको हम बास्केटबॉल खिला देंगे और डी भी आपका बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलेगा, डी भी आपका जो है फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलेगा। ठीक है, अगला क्या, सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, सी और डी, सी भी आपका जो है हॉकी भी खेलेगा, हॉकी ऑलरेडी खेल रहा है सी और बास्केटबॉल भी खेलेगा। ठीक है, सी सी सी, ठीक है, और डी भी आपका हॉकी खेलेगा और बास्केटबॉल खेलेगा। ठीक है, तो ये आपका चार्ट बन गया इस क्वेश्चन का। अब आता है क्वेश्चन तरफ, तो क्वेश्चन क्या पूछता है, कौन हॉकी नहीं खेलता है, इसमें से कौन ऐसा बंदा है जो हॉकी नहीं खेल रहा है, तो आप इजीली दे सकते हैं, बस एक 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 सेल ऐसी बची है जहां पे हॉकी में टिक नहीं लगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो बंदा नंबर ए है वो हॉकी नहीं खेलता है लेकिन फुटबॉल क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलता है।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसमें आपको दिया हुआ है बंदा ए। ठीक, समझ में आया फ्रेंड्स वाला क्वेश्चन। बढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका एक डायग्राम या फिगर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए बी सी और डी में से कौन सी उत्तर आकृति प्लस आकृति में क्वेश्चन मार्क की जगह लेकर डिजाइन को पूरा करती है। ठीक है, तो आपको जो फिगर स्टार बनाकर फिगर दिया हुआ है, आपको कॉपी में इस फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले इस फिगर को हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे। बहुत इजी फिगर है फ्रेंड्स, वाला क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको एक बार फिगर ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ फिगर, क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिया हुआ है बना के, और आपको यहाँ पे चार ऑलरेडी बना के दे दिए, ये आपको बना के दे दिया है, ये भी बना दिया, ये बना, आपसे यहाँ पे पूछा यहाँ क्या बनेगा। तो जब आप इसको बनाना स्टार्ट करेंगे ना फ्रेंड, जब आप इसको बनाएंगे ना, जैसे क्वेश्चन में जो बना के दिया आपको, ये ऐसे बनाया है तो फिर ऐसे बनाया है। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे भी ऐसे बना के एक ट्राइंगल बनेगा, ये वाला ट्राइंगल ये क्वेश्चन में बनाया हुआ है। ठीक, तो ये वाला जो आपको आंसर मिला है, ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप देखिए, जो आपको एबीसीडी चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है इस फिगर से मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपका डी दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है सीरियस का तारे से वही संबंध है जो सिग्नस का डैश के साथ है। तो इसमें भी आपको वोकैबुलरी आपकी मजबूत होगी, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है आपसे, क्वेश्चन आपसे बोलता है सीरियस इंग्लिश में लिखेंगे अगर हम, तो आएगा सीरियस, ऐसे लिखाएगा। सीरियस का तारे से वही संबंध है, तारे से वही संबंध है जो सिग्नस का, जो सिग्नस मतलब ये सिग्नस ऐसे लिखाएगा यहाँ पे, सिग्नस का डैश के साथ है। तो आपसे पूछा है सिग्नस का संबंध किसके साथ होगा, तो जो आपका सीरियस होता है, ये आपका तारा होता है ब्राइटेस्ट, ये आपका ब्राइटेस्ट इसका ब्राइटेस्ट स्टार होता है आपका, तो वही आपका सिग्नस के साथ जो संबंध होगा वो आपका कॉन्स्टिलेशन से होगा। कॉन्स्टिलेशन मतलब इसको हम बोलेंगे नक्षत्र, नक्षत्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या दिया है फ्रेंड, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जिसमें नक्षत्र ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्र। ठीक है फ्रेंड, बढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी आपको ब्लड एंड रिलेशन से आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है जेड वाई के मामा है, एक्स जेड के नाना है, एस एक्स का पोता है, एस का संबंध वाई से क्या है। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन है एकदम। पहला जो अपोज स्टेटमेंट दिया है जेड वाई के मामा है, ठीक है, तो जेड वाई के मामा है मतलब जेड वाई के मामा है। ठीक हो, तो जेड जो है जेड वाई का मामा है, ठीक है, मतलब इसकी मम्मी का भाई होगा, उसी को मामा बोलते हैं। आपकी मम्मी के जो भाई है उनको आप मामा बोलते हैं ना। देखो सिंपल सा है, जेड जेड वाई के मामा है, तो जेड जो है ये वाई का मामा कैसे है, इसकी सिस्टर जो होगी, इसकी सिस्टर का जो लड़का होगा वो आपका वाई होगा। तो ये आपका मेल हुआ, क्योंकि मामा है ये, मामा मेल होगा, तो वाई की मम्मी ये हो गई, वाई की मम्मी का भाई जो है जेड है, इसीलिए जेड वाई का मामा हो गया। अब आपको ये नहीं दिया है कि कौन सा पर्सन है, ये आपको नहीं दिया है, बट आपको ये मालूम है कि ये कोई फीमेल होगी। ठीक है, फिर अगला बोलता है एक्स जेड के नाना है। अब एक्स जो है वो जेड का नाना है, ठीक है, तो जेड की मम्मी का जो फादर होगा उसको नाना बोलेंगे। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इसकी जो मम्मी होंगी, ये इसकी मम्मी हो गई, इसकी मम्मी के जो फादर है एक्स, तो ये मेल हो गया, कंफर्म हो गया, तो ये इसके नाना है, क्योंकि ये इसकी मम्मी है, मम्मी के पापा को हम बोलते हैं नाना। ठीक है, तो सेकंड वाला कंप्लीट हो गया आपका कि एक्स जेड के नाना है। अब बोलता है एस एक्स का पोता है, ठीक है, तो जो एस है वो एक्स का पोता है, तो एक्स की जो लड़की है उसका जो लड़का होगा वो उसको क्या बोलेगा, पोता होगा, लेकिन एक्स एस जो है एक्स का पोता है, एस जो है आपका एक मेल आदमी होगा, एस जो है आपका मेल होगा, एस आपका एक मेल पर्सन होगा, तो यहाँ पे हम एस नहीं डाल सकते, तो इसका एक भाई होगा जो एस होगा, ये इसका भाई होगा एस, तो एस का ये क्या है, दादा है, तो ये इसका हो गया पोता। ठीक है, समझ में आया ना। देखो फिर से रिपीट करता हूँ, जेड वाई के मामा है, जेड वाई के मामा है, क्योंकि वाई का जो मम्मी है वो उसका भाई हो गया, कंफर्म है। एक्स जेड के नाना है, एक्स जो है जेड का नाना है, कंफर्म है, इसकी लड़की हो गया, लड़की का लड़का हो गया, तो इसका नाना हो गया। ठीक है,
फिर एस जो है एक्स का पोता है, एस जो है एक्स का पोता, ये इसका दादा हो गया, ठीक है। फिर बोलता है एस का संबंध वाई से क्या है, ठीक है। फिर हमसे पूछता है एस का संबंध वाई से क्या है, तो एस का संबंध वाई से क्या है, तो एस का संबंध वाई से क्या है, तो से का की ओर चलेंगे फ्रेंड्स अगर हम, तो आपको क्या मिलेगा, ये इसका मामा है, इसकी मम्मी का भाई, ये वाई की मम्मी है, उसका भाई जो एस है, तो इसका आंसर होगा मामा, ये इसका मामा होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मामा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया होगा, बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो आपका है वो आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस देखने में लंबा क्वेश्चन है, कोडिंग का क्वेश्चन है आपको, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको हटा के लिखता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से। तो क्वेश्चन में आपको कुछ अल्फाबेट दिया हुआ है और उनका कुछ नंबर दिया हुआ है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बस आपको वही सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है आपसे कि एक निश्चित कोड में भाषा को 6 को टी जैसा कोड दिया जाता है, 8 को आई जैसा कोड दिया जाता है, 3 को एन, 9 को क्यू, 2 को वाई, 5 को डी, 7 को आर, तो डी आर आई एन टी क्यू का अनकोडेड रूप क्या होगा। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, जो आपको दिया है उसके सामने लिखते जाना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11th है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 6 को जो है टी कोड दिया हुआ है, 8 को जो है आई कोड दिया हुआ है, 3 को जो है एन कोड दिया हुआ है, 9 को जो है क्यू कोड दिया हुआ है, 2 को वाई, 5 को डी और 7 को आर दिया हुआ है। तो हम डी आर आई एन टी क्यू इसको क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है, तो इसको यहाँ उतार देना है बस, डी का 5 हो गया, आर का आपका 7 हो गया, आई का 8 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 9, इसका 6, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही, बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रेंड, ठीक है। बढ़ते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका फिगर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है आपको 6 आकृतियां बनी हुई है, ठीक है, इसमें से 1, 2, 3, 4 बीच वाली है, बाकी लास्ट और फर्स्ट वाली आपको, उससे आपको आइडिया लेना है। तो इसमें से 1, 2, 3, 4 में से कौन सी आकृति श्रृंखला में फिट नहीं है, तो फ्रेंड वीडियो को पॉज कर दिए, इस फिगर को आराम से बड़ा करके आराम से इसको ड्रॉ करना, ये जो क्वेश्चन में आपको मोबाइल में क्वेश्चन आ रहा है इसको ध्यान से देखना है और देखना कि क्या डिफरेंस है। 1, 2, 3, 4 जो आपको फिगर दिया हुआ है, फर्स्ट और लास्ट को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या डिफरेंस आपको समझ में आता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तब तक मैं इसको आपको थोड़ा सा हिंट देकर सॉल्व कराता हूं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो जो आपको 1, 2, 3, 4 फिगर दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वाले से 1 की तरफ बढ़ेंगे, 1 से 2 की तरफ बढ़ते हैं, 2 से 3 की तरफ, 3 से 4 की तरफ और 4 से लास्ट तरफ, तो आप देखेंगे कि इसमें आपको फिगर में 5 फिगर दिया हुआ है, ठीक है। मान लो आपको जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में जो है यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे फिगर है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, हर बॉक्स में आपको 5 फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम हर एक स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं, इस अगले बॉक्स में आएंगे, उससे अगले बॉक्स में जब हम बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि दो फिगर जो ऑलरेडी इसमें है वो हटा दिया जा रहा है और दो नए फिगर ले आ जाए। आप ध्यान से देखिए, तो जो आपका फर्स्ट वाला फिगर है, जो आपका फर्स्ट फिगर बना हुआ है, तो यहाँ पे जो ये बना हुआ है फिगर आपका, ये स्टार और ये, तो अगर हम ये वाला फिगर देखें, यहाँ वाले फिगर से आपका यहाँ पे इक्वल टू हटा दिया गया है, ये वाला हटा दिया गया है यहाँ से इसको ले आने में, और आपका प्लस का साइन हटा दिया गया है और दो नए फिगर यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, और जो दो नए फिगर यहाँ पे ऐड किए गए हैं वो कहाँ पे है, वो आपका सेंटर में है, वो आपका सेंटर में ऐड किया गया है, और कहाँ ऐड किया गया है, और यहाँ पे ऐड किया गया है, मतलब सेंटर में और कॉर्नर में ऐड किया गया। तो उसी तरह अगले फिगर में भी जो है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला देखेंगे, तो हर एक में एक चीज आना चाहिए कि दो ओल्ड फिगर हटना चाहिए और दो नया फिगर आना चाहिए, और जो दो नया फिगर आएगा वो आपका सेंटर में ऐड होगा और कॉर्नर में ऐड होगा। बट अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो आपका 2 दिया हुआ है, इस आप सेकंड फिगर में देखेंगे, तो सेकंड फिगर में जो ऐड किया है यहाँ पे ऐड किया है और यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। तो दोनों फिगर आपका जो दो नया फिगर ऐड किया गया है वो दोनों कॉर्नर पे ऐड किया गया, इसीलिए आपका इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेकंड वाला, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी सेम है, तो इसमें बस लाइन का खेल है कि लेफ्ट साइड में कोई लाइन इंक्रीज करता है, राइट साइड में कोई लाइन इंक्रीज करता है। तो फिगर को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, तो आप देख रहे होंगे जो इसका 5 बॉक्स दिए हुए हैं, फर्स्ट और लास्ट, 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है,
तो आप देख रहे होंगे जो जो नंबर तीन बॉक्स दिया हुआ है, जिसमें तीन लिखा हुआ है, वो इसमें फिट नहीं बैठेगा। क्यों फिट नहीं बैठेगा? क्योंकि जो उसके बीच वाली लाइन है, जो उसकी बीच वाली लाइन देखिए और नीचे वाली लाइन देखिए, उसमें हर एक क्रम से एक एक भुजा एक एक उसमें एज बढ़ रही है। जो आपकी बीच वाली लाइन देखिए, बीच वाली जो आपको ऑप्शन नंबर तीन में देखिए, जो बीच वाली लाइन है और नीचे वाली लाइन है, उसमें एक एक करके एक एक लाइन उसमें एड होते जा रही है। तो लेकिन जो ऊपर वाली लाइन है उसमें से माइनस दो, उसमें जो ऊपर वाली लाइन है उसमें माइनस दो, माइनस एक, माइनस दो, माइनस एक और माइनस दो का ये कॉन्सेप्ट ये फॉलो हो रहा है ऊपर वाली लाइन में, ठीक है। लेकिन जो तीन है, जो इसका ऑप्शन नंबर तीन है, मतलब डी का जो तीन नंबर फिगर है, उसमें ये रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तीन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में आपको जो है एक पैटर्न पूछा, बहुत ही आसान पैटर्न है। आप पैटर्न को देखेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है, तो 14 को आप सॉल्व करेंगे, तो 14 को आप ध्यान से देखिएगा। जो यहाँ पे पैटर्न बनाया है, जो 916 लिखा है और यहाँ 3 और 4 लिखा है, फिर यहाँ पे आपको 4, 3, 6 लिखा है और 2 और 6 लिखा है, फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क और 1 और 5 लिखा है। देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 4 का स्क्वायर कर दिया 16, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया 4 और 6 का स्क्वायर कर दिया 36, तो वैसे यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 1 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो इसका जो है आंसर होगा 125, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 125, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, 125, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगला क्वेश्चन भी आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 जो आपका एक मिरर से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूँ, इसको आप इजी सॉल्व कर लेंगे और इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इजली आपको सॉल्व कर ले आएंगे, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था आपको, वही एकदम सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे, मिरर कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें भी आपका एक कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा। देखिए पैटर्न क्या बन रहा है, तो आपको दिया हुआ है 5, 8, 3 और साइकिल बना दिया है, और यहाँ पे ये ऐसे बना दिया है, ये ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3। तो आप देखेंगे इसको, तो यहाँ से फॉलो करना है, ठीक है, यहाँ से चलते जाना है, इसको यहाँ से ऐसे चलना है, एंटी क्लॉक चलना है। तो 5 × 5 = 5, ठीक है, पहला सॉल्व हो गया। फिर 4 × 2 = 8 सॉल्व हो गया। 3 × 1 = 3, तो क्या बना हमको 5, 8, 3। सेकंड नंबर फिगर भी आपको सेम दिया हुआ है, 805 मिला हमको, तो 2 × 4 = 8, 9 × 0 = 0, 5 × 1 तो क्या होगा 5, तो इसका 805। तो सिमिलर जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वैसे इसका आंसर भी निकाल लेंगे हम, क्या आंसर निकलेगा 7 × 1 = 7, 3 × 2 = 6, 8 × 0 = 0, इसका ऑप्शन नंबर 760 इसका आंसर होगा, और इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, 760, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित सेट के प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक संख्या को आपस में बदल दिया जाए, तो फिर नंबरों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दूसरा नंबर होगा, ठीक है। आराम से इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज कर दिए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, सीरीज को देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है, मैं इसको सॉल्व कराता हूँ आपको। देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है 3, 7, 6, 4, 3, 8, 4, 7, 6, 3, 8, 9 और 5, 6, 7, ठीक है। ये बोलता है पहले और दूसरे अंक संख्या को आपस में बदल दिया जाए और फिर नंबरों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो दूसरा नंबर क्या होगा, मतलब पहले और दूसरे को आपस में इंटरचेंज करना है, इसको आपस में इंटरचेंज करना है, इन नंबरों को हमें चेंज इंटरचेंज करना है, तो ये हो जाएगा 7, 3, 6, ये हो जाएगा 3, 4, 8, ये हो जाएगा 7, 4, 6, ये 8, 3, 9 और ये आपको हो जाएगा 6, 5, 7। अब इसको हमें जो है अवरोही क्रम में करना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हमें लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे इसको हम, तो पहला नंबर क्या मिलेगा आपको, पहला से मिलेगा आपको 8, 3, 9, उससे छोटा 7, 4, 6, उससे छोटा 7, 3, 6, फिर 6, 5, 7, फिर 3, 4, 8 और सेकंड नंबर आपका क्या है, सेकंड नंबर आपका है 7, 4, 6, इसको हमें इंटरचेंज किया मतलब 4, 7, 6, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा 476। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका है 18th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, तो 19 भी आपका एक फिगर वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, फिगर आपको ड्रॉ दिया हुआ है, उसमें आपको जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट आपसे पूछ रहा है कि इस क्वाड्रेंट में क्या आएगा। तो अगर हम फिगर को पूरा ड्रॉ करेंगे, मान लो इस फिगर को हम ड्रॉ करते हैं, अगर ये ऐसे है, ये बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स में जो है सेंटर से लाइन खींच दिया, ठीक है, सेंटर से लाइन खींच दिया है, एक लाइन नीचे खींचा तो इस लाइन ऊपर खींचनी पूरी हमको, और आपको यहाँ पे जो है एक ऐसे कट मारा है, इस साइड कट मारा है, तो यहाँ पे भी हमको कट मारना पड़ेगा, ठीक है, और आपको यहाँ पे ये ऐसे बनाया है, ऐसे तो यहाँ पे भी ये, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा जाने के बाद ऐसे बनेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन दोनों सेंटर को मिला दिया, इसको ऐसे जो है मिला दिया है, ठीक है, तो ये आपको ये फिगर आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो दिया हुआ है, फिगर नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है फिगर नंबर सी इसका सही होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 20। तो आपको देखिए फिगर दिया हुआ है और उसमें फिगर पूछता है निम्न चित्र में त्रिकोण डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त खिलाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है, आयत मतलब सर्किल में जो आपको दिया हुआ है वो गायक है, तो कौन सा क्षेत्र डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक है पर खिलाड़ी नहीं है। तो ध्यान से फिगर को देखिए, अगर हम फिगर को ड्रॉ करते हैं तो ये आपका एक रेक्टेंगल बना है, ठीक है, रेक्टेंगल है, उस पर आपका एक सर्किल बना हुआ है, उसके बाद आपका यहाँ से एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल आपको बोलता है कि डॉक्टर है, सर्किल आपको बोलता है कि प्लेयर है, और ये आपको बोलता है सिंगर है, ठीक है। यहाँ पे आपको डी दिया हुआ है, यहाँ सी, यहाँ ए और यहाँ पे बी, बोलता है कौन सा ऐसा आदमी इसमें है जो आपका कौन सा क्षेत्र डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक है पर खिलाड़ी नहीं है, मतलब डॉक्टर इसमें कौन कौन से हैं जो सिंगल है पर खिलाड़ी नहीं, मतलब प्लेयर नहीं है, ठीक है, सिंगल है डॉक्टर, तो इसमें कौन सा फिगर है जो सिंगल को भी दिखा रहा है, डॉक्टर को भी दिखा रहा है और प्लेयर को भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर हम डॉक्टर की बात करें तो ये डॉक्टर का आपका ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसमें ए सी और डी तीनों डॉक्टर है आपके, लेकिन प्लेयर ये आपको खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, तो आपका ए हम काट दें, प्लेयर में ए और सी काट दें, तो खाली डी एक ऐसा बंदा है, मतलब खाली डी ऐसा बंदा है जो आपका डॉक्टर भी है, सिंगल भी है, बट प्लेयर नहीं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा डी, ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मैंने आपको 2016 पेपर में जो सिर्फ फर्स्ट में क्वेश्चन आए थे 20 रीजनिंग क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा दिया, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।